हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटोन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। जो हमारे पास एक 15 इंच का वीडियो कॉन का टीवी है, इसका प्रॉब्लम आज मैं आप लोगों का सॉल्व करके दिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं टीवी को जब मैं लाइन देता हूँ, लाइन देने के बाद मेरा जो इंडिकेटर जलना चाहिए वो इंडिकेटर जल नहीं जल रहा है, और हमारा टीवी पे कोई पिक्चर भी नहीं है। मतलब दोस्तों, हमारा ये वाला प्रॉब्लम हमारा पावर सेक्शन से भी हो सकता है, हमारा आउटपुट सेक्शन से भी होता है। ठीक है, मैं टीवी को खोल लेता हूँ। टीवी खोलने से पहले आप लोगों को बता दो, मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर करना, और मेरा जो बेल आइकॉन है, ऑल नोटिफिकेशन और बेल आइकॉन है, उसको दबा देना। तो जब भी मैं ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं टीवी को खोल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा पीसीबी, जो हमारा वीडियोकॉन का ओरिजिनल पीसीबी है। इसका प्रॉब्लम आज मैं दिखाऊंगा इसका प्रॉब्लम क्या है। जो हमारा ये वाला जो पावर इंडिकेटर होता है, ये पावर इंडिकेटर क्यों नहीं जल रहा है। मतलब दोस्तों, हमारा पावर सेक्शन से पावर जो होता है, जो वोल्टेज होता है, वो वाला वोल्टेज हमारा सही नहीं है, इसीलिए ये वाला पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं पहले भी वीडियो पे बता चुका हूँ, मेरा आगे वाले वीडियो भी देख लेना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो पावर सेक्शन होता है, वो पावर सेक्शन हमारा चेक करते हैं। उसके लिए मैं टीवी को लाइन देने से पहले मैं क्या करूँगा, टीवी का जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, जो हमारा 110 वोल्ट होता है, वो वाला वोल्टेज को मैं ओपन कर लूँगा। ये वाला हमारा 110 वोल्ट का जो हमारा पॉइंट है, ये वाला हमारा 110 वोल्ट का पॉइंट है, ये वाला 110 वोल्ट का जो हमारा आउटपुट ESD का सप्लाई जाता है, ये वाला जो वोल्टेज का फॉयल है, इसको ओपन कर लूँगा। ये एक रेजिस्टेंस से फ्यूज दे के लाइन दे के दिया है, इसीलिए ये वाला रेजिस्टेंस को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैं टीवी को लाइन दूंगा। लाइन देने के बाद हमारा जो पावर इंडिकेटर होता है, वो पावर इंडिकेटर जलेगा या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। पावर इंडिकेटर जल जाएगा तो हमारा पावर सप्लाई जो है, जो हमारा पावर सेक्शन है, वो वाला पावर सेक्शन सही रहेगा, और हमारा आउटपुट सेक्शन ख़राब हो चुका है। इसीलिए मैं ये वाला ओपन करके मैं लाइन दे के देखूँगा। ठीक है, मैं ओपन करके आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसको ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद मैं टीवी पे लाइन दे देता हूँ। लाइन देने के बाद जो हमारा 110 वोल्ट होता है, वो 110 वोल्ट को चेक करूँगा। वो 110 वोल्ट हमारा आ जाएगा तो हमारा वोल्टेज सही है। आप लोग देख सकते हैं हमारा 63 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारा पावर सेक्शन से वोल्टेज निकल रहा है, और हमारा जो पावर इंडिकेटर होता है, वो पावर इंडिकेटर भी जल रहा है, मतलब हमारा पावर सेक्शन से वोल्टेज निकल रहा है। और ये वाला वोल्टेज हमारा 110 वोल्ट कब होगा, जब मैं स्टैंड बाई को रिलीज करूँगा, ये वाला LED हमारा बंद हो जाएगा। तो ये वाला जब बंद हो गया है तो हमारा यहाँ पे 110 वोल्ट आना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं 114 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारा पावर सेक्शन से वोल्टेज सही निकल रहा है। और एक वोल्टेज दिखा दूँ, जो हमारा 27 वोल्ट होता है, वो वाला वोल्टेज भी 22 दिखा रही है, मतलब सही आ रहा है। और एक वोल्टेज होता है हमारा 10 वोल्ट 11 वोल्ट, जो हमारा रेगुलेटर सिस्टम के लिए दिया गया है। और एक वोल्टेज होता है हमारा ये वाला 14 वोल्ट, जो हमारा जाता है साउंड सेक्शन के लिए, ये वाला साउंड सेक्शन के लिए हमारा जाता है ये वाला वोल्टेज। मतलब हमारा पावर सेक्शन का सभी वोल्टेज ओके है, मतलब हमारा पावर सेक्शन ओके है। उसके बाद मैं देखूँगा ये वाला जो हमारा आउटपुट सेक्शन है, इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है, ये ट्रांजिस्टर को ओपन कर दूँगा। ओपन कर देने के बाद तो मैं जो बता रहा था, इसका जो आउटपुट सेक्शन को चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो ESD सेक्शन से जो हमारा आउटपुट जो ट्रांजिस्टर लगाया हुआ होता है, वो वाला ट्रांजिस्टर को मैंने ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद ये ट्रांजिस्टर को चेक करूँगा मैं मीटर पे, जो मीटर पे हमारा शॉर्ट दिखाएगा तो ये वाला ट्रांजिस्टर को चेंज करना पड़ेगा। और एक चीज़ जो हमारा होता है, जो हमारा ये वाला जो हमारा बूस्ट पेप होता है, बूस्ट पेप भी ख़राब हो सकता है, बूस्ट पेप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए ही ये वाला ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है।
दोस्तों मेरा जो ये कस्टमर है, जो हमारा ये वाला कस्टमर अमूल मुझे बता रहा था, ये वाला टीवी में जब भी रिपेयर करके देता है कोई, तो ये वाला आउटपुट ट्रांजिस्टर तो चेंज करके मैं टीवी को दे देता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये वाला टीवी फिर से ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं क्या करूँगा, ये वाला आउटपुट जो PF है, जो हमारा आउटपुट बूस्ट PF है, ये वाला PF को मैं चेंज कर दूंगा। और क्या करूंगा, ये वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर है, इसको ट्रांजिस्टर को भी चेंज कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये वाला जो EHT है, EHT को लाइन देने से पहले मैं चेक करूंगा हमारा सिस्टम कैसे वोल्टेज को दबा देता है, कैसे वोल्टेज कोई फर्क होता है कि नहीं। ठीक है, मैं पहले ट्रांजिस्टर को ओपन कर देता हूँ, उसके बाद PF को भी चेंज कर देता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर था, आउटपुट ट्रांजिस्टर था, उसको भी ओपन कर चुका हूँ, और ये वाला जो हमारा बूस्ट PF था, बूस्ट PF को भी ओपन कर चुका हूँ। ये वाला जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर था 2140, वो वाला ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो चुका है। मैं जो मीटर पे चेक किया था, ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट दिखा रहा था। ये वाला ट्रांजिस्टर को चेंज कर दूंगा, लेकिन दोस्तों ये वाला ट्रांजिस्टर को बदले में मैं लगाऊंगा, ये रहा था 2140 जो हमारा ट्रांजिस्टर दिया गया था, उसके बदले में मैं लगाऊंगा ये 6093 का ये वाला ट्रांजिस्टर को लगाऊंगा। और ये वाला जो बूस्ट PF था, इसको भी चेंज कर दूंगा। ये वाला बूस्ट PF कुछ लीकेज होगा तो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर बार बार उड़ जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे ये वाला बूस्ट PF को लगा लूँगा। ठीक है, मैं लगाने से पहले मैं कुछ चेक कर लेता हूँ, उसके बाद भी मैं चेक इसको लगा के हम लोग पिक्चर देखेंगे, हमारा पिक्चर सही आता है कि नहीं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जो PF को ओपन किया था, जो बूस्ट PF को ओपन किया था, उसको भी लगा चुका हूँ, और जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर था, उसको भी ओपन कर किया था, उसको भी नया लगा चुका हूँ। लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, टीवी पे लाइन दूंगा। लाइन देने के बाद मेरा टीवी जो स्टैंड बाई मूड में है, वो स्टैंड बाई मूड से रिलीज करूँगा। स्टैंड बाई मूड है, स्टैंड बाई मूड से मैं रिलीज करूँगा। रिलीज करने के बाद मैं टीवी को, जो वाला रेजिस्टेंट को मैंने ओपन कर चुका हूँ, ये वाला रेजिस्टेंट को मैंने ओपन कर चुका हूँ, ये वाला वोल्टेज भी देख लीजिए, हमारा 114 वोल्ट दिखा रही है, मतलब हमारा वोल्टेज सही आ रहा है। और ये वाला कनेक्शन को मैं मीटर से कनेक्ट कर दूँगा। कनेक्ट कर देने के बाद मैं टीवी को चेक करूँगा, जो हमारा टीवी कोई पिक्चर आता है कि नहीं। आप लोग देखा, आप लोगों को दिखा दूँ, हमारा जो टीवी पे पिक्चर आना चाहिए, वाला पिक्चर सही आ गया है। मतलब दोस्तों हमारा जो आज का प्रॉब्लम था, वो हमारा आउटपुट सेक्शन का प्रॉब्लम था। जो हमारा आउटपुट सेक्शन का जो हमारा बूस्ट PF होता है, और हमारा आउटपुट जो हमारा BU होता है, जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, वो ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाने से ये वाला प्रॉब्लम आया था, जो हमारा पावर इंडिकेटर नहीं चल रहा था और TV भी स्टार्टिंग नहीं हो रहा था। ठीक है दोस्तों, मैं ये वाला जो सोल्डरिंग को ओपन कर चुका हूँ, उसको लगा देता हूँ, और लगाने के बाद आप लोगों को मैं AVP पिक्चर दिखाऊंगा, जो हमारा TV के कैसे पिक्चर आता है। ठीक है, तब तक मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, तो जब भी मैं ऐसे वीडियो लेके आऊँगा, आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं TV को लगा के आप लोगों को पिक्चर दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी का जो PCB होता है, उसको कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं टीवी पे लाइन देता हूँ। लाइन देने के बाद हमारा जो पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा था, आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा, हमारा पावर इंडिकेटर पूरी तरह से जैसे जलना चाहिए वो वाला जल गया है। और जलने के बाद मैं टीवी को पावर से स्टैंड बाई से रिलीज कर देता हूँ। रिलीज कर देने के बाद हमारा टीवी पे जो पिक्चर नहीं था, वो वाला पिक्चर भी आना चाहिए, आ गया है। देखिए हमारा पिक्चर आ गया है। इसको मैं AVP पे ट्रांसफ़र करूँगा। ट्रांसफ़र कर देने से हमारा जो AVP का जो पिक्चर है, वो वाला पिक्चर आना चाहिए, आएगा। आप लोग देखिए हमारा जो पिक्चर था, वो वाला पिक्चर हमारा सही तरीके से आ गया है। मतलब हमारा जो आज का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो चुका है। और सॉल्व होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो हमारा टीवी का प्रॉब्लम था, वो हमारा आउटपुट सेक्शन का प्रॉब्लम था, और सब वही प्रॉब्लम से हमारा टीवी का स्टैंड बाई प्रॉब्लम आ गया था, और हमारा पावर इंडिकेटर भी नहीं जल रहा था, और
टीवी पे कोई पिक्चर नहीं था। इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को देखते रहिए, और तब तक मिलूँगा मैं आगे वाले वीडियो से आप लोगों के पास आऊँगा। तो हम मेरा चैनल को देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।